उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर विपक्षी पार्टी राज्य सरकार को आड़े हाथों ले रही है। दरअसल लखनऊ में एक गर्भवती महिला को साइकिल रिक्शा से अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान उठी प्रसव पीड़ा के कारण महिला ने राजभवन गेट के सामने अस्पताल पहुँचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल रास्ते जा रही महिलाओं ने गर्भवती महिला की मदद की। इस दौरान महिलाओं ने साड़ी से पर्दा लगाकर गर्भवती महिला का प्रसव करवाया। इसी समय इलाज के लिए अस्पताल में कॉल भी की गई। वहीं आधा घंटा बीत जाने के बाद भी कोई एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। पूरे मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को घेरा है। इस मामले को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लाख विज्ञापनों और दावों के बावजूद वेंटिलेटर पर है। एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे से अस्पताल जा रही गर्भवती महिला को राजभवन के पास सड़क पर प्रसव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो ये पूरी व्यवस्था के लिए शर्मनाक व सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली हकीकत है। ये हालत है प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती, लेकिन सच्चाई क्या है आज दिख रहा है कि चार दिन से एक महिला पीड़ित है एडमिट होने के लिए, लेकिन कोई समाधान नहीं। और उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में बड़ी बेहतर है, यही बेहतर है? इस तरीके की हजारों घटनाएं हैं जहां पर लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा। सिविल हॉस्पिटल, झलकारी बाई, सब 1 किलोमीटर रेडियस में, लेकिन उसके बाद भी उस महिला को मजबूरन सड़क पर प्रसव कराना पड़ा। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर हालत है। प्रदेश में दिन पर दिन व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जा रही हैं। बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं न मिलने की वजह से कुछ ही घंटों में नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अपनी धर्मपत्नी के साथ अस्पताल पहुंचे और अपनी गाड़ी में महिला के पति को लेकर बैकुंठ धाम मृत बच्चे को ले गए। राजभवन के सामने हुई इस घटना ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। जो घटना है, इन ये जो बहन है, इसके 4.5 माह का गर्भ था। इसके पेट में दर्द हुआ, पेड़ों में बता रही हूँ। हमने इसलिए हम अपनी मिसेज को लेकर आए कि वो बात कर पाएंगी, तो वो सिविल में निरीक्षण लगवा करके अपने घर गई, तो उसको फिर दर्द महसूस हुआ, तो रिक्शे से झलकारी बाई के लिए आ रही थी वो, और अभी डिलीवरी दी नहीं थी, केवल 4.5 माह का गर्भ था। प्री मेच्योर रिक्शे पर ही उसकी डिलीवरी हुई है, और हमने पूरे दाई को बुला लिया था, जो दाई को बुला लिया था, और पूरी केयर हम लोग करेंगे, दवाई का खर्चा सब कुछ हम लोग उठाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया मैंने देखा है, हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं।